नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सागर प्रधानमंत्री पहुंचे सागर बुंदेलखंड में दी सौगात। सागर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ। 11:50 पर दिल्ली से रवाना होकर तकरीबन 1 बजे खजुराहो पहुंचे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा 2:15 पर सागर बतुमा हेलीपैड भूमि पूजन स्थल पहुंचे। तकरीबन 25 मिनट तक पूजन संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर शिलान्यास सागर के बतुमा स्थल पर किया गया। इसके बाद तकरीबन 3:15 पर सभा स्थल पहुँचे प्रधानमंत्री, जो रहली विधानसभा के धाना हेलीपैड पर बनाया गया था। वहां मंच पर मौजूद महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के मंत्री एवं भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। जनता का हुजूम देखते बना 7 किलोमीटर दूर से वाहनों के जाम लगने के बाद भी लोग पहुंचे सभा स्थल। यहां पर प्रधानमंत्री जी द्वारा बीना कोटा तीसरी लाइन को हरी झंडी मिली, परंतु सागर से करेली मार्ग की बहुप्रतीक्षित मांग पर बुंदेलखंड के लोगों को फिर निराशा प्राप्त हुई। इसके उपरांत तकरीबन 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल से हेलीकॉप्टर द्वारा खजुराहो रवाना हो गए। कार्यक्रम के अंत तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जनता से क्षमा मांगी। उनका कहना था कि जनता अधिक होने के कारण वह बैठने की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा करें। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।